हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज का अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव को जब अपन किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उस एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण उस विद्युत द्विध्रुव पर टोटल कितना बल लगता है और टोटल कितना बलाघूर्ण लगता है। ये दो फिजिकल क्वांटिटीज अपने को विद्युत द्विध्रुवों के लिए और पढ़नी है। पहला है विद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला कुल बल और विद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला बलाघूर्ण। कब? जब अपन लोग उस विद्युत द्विध्रुव को किसी भारी एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम समझा देता हूं। देखना, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन इधर है। एक समान विद्युत क्षेत्र की क्या विशेषता है? तो आप सब जानते हो बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र में डायरेक्शन सेम होती है और परिमाण भी सब जगह समान होता है। और एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए अपन लोग समांतर रेखाओं को काम में लेते हैं। कौन सी रेखाओं को काम में लेते हैं? समांतर रेखाओं को। तो ये मैंने समांतर रेखाएं खींची और एक समान विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित किया, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर मैंने ये विद्युत द्विध्रुव रखा। यहाँ पे ये विद्युत द्विध्रुव आपको नजर आ रहा होगा, ये एक समान विद्युत क्षेत्र, इसके अंदर मैंने एक विद्युत द्विध्रुव रखा, ठीक है। और ये विद्युत द्विध्रुव, चलो मैं पूरा आपके साथ साथ बोलते जाते हैं, पढ़ लो फिर साथ साथ इसको बनाते जाते हैं। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसको समांतर रेखाओं से प्रदर्शित किया गया। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है जिसका नाम आप लोगों ने डाल रखा है ए बी। इस विद्युत द्विध्रुव का इधर का आवेश माइनस ए वाला और इधर का आवेश ले लिया अपन लोगों ने प्लस का, ओके। और ये मान लेते प्लस का आवेश, प्लस क्यों? विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो माना 2a, इसकी लंबाई। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण अपन लोग जानते हैं किधर होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस से प्लस की ओर। इधर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ली जाती है माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस विद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री कोण पर बैठा है? थीटा डिग्री कोण पर बैठा है। तो मैंने किसी विद्युत द्विध्रुव एपी को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर थीटा डिग्री कोण बनाते हुए रखा। और ये थीटा डिग्री कोण किसके बीच में है? तो ये थीटा डिग्री कोण है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर और विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के बीच का कोण है कितना? थीटा डिग्री। तो अब इस कंडीशन में ये विद्युत क्षेत्र इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दोनों सिरों पर दो बल लगा रहा है, क्योंकि दोनों सिरों पर दो आवेश बैठे हैं, एक माइनस आवेश एक प्लस आवेश। आप अच्छी तरह से जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आवेश पर हमेशा बल लगाता है, और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किसी आवेश पर लगने वाला जो बल है वो होता है एफ बराबर क्यू ई। कितना होता है? एफ बराबर क्यू ई। और अपन लोग जानते हैं कि ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाता है, विपरीत दिशा में बल लगता है ऋणावेश पर, और धनावेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो ये तो अच्छी तरह से आप जानते हो, आपको मैंने पहले बताई थी ये चीज, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर मानी जाती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस है। तो ये जो द्विध्रुव का जो नेगेटिव चार्ज है, द्विध्रुव का ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज पे जो लगने वाला बल होगा वो किधर लगेगा? तो इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा में कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा। ये माइनस इधर खींचेगा, इस माइनस पे इस तरफ बल लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा बल? तो उस बल का मान होगा एफ बराबर माइनस का क्यू ई, और ये वेक्टर के रूप में, ठीक है। इसी प्रकार इस प्लस आवेश पर बल किधर लगेगा? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, इधर लगेगा। कितना होगा इसका मान? एफ बराबर एफ वेक्टर बराबर प्लस का क्यू ई वेक्टर। तो ये इधर मान लग गया, ठीक है। तो ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, आपको शुरू में समझाया था कि जब भी आप लोग किसी धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो
तो वो धन आवेश उस धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है। जब आप किसी ऋण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उस ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है जिससे वो विपरीत दिशा में गति करता है। अब बताओ इस द्विध्रुव पे लगने वाला कुल बल कितना हुआ। तो द्विध्रुव के दो सिरे हैं बेटा जी और दोनों सिरों पर दो बल लग रहे हैं तो नेट फोर्स कितना हो गया द्विध्रुव पे लगने वाला। तो नेट फोर्स हो गया द्विध्रुव पे लगने वाला तो द्विध्रुव के प्लस आवेश पे प्लस वाले सिरे पे बी वाले सिरे पे लगने वाला बल कितना है प्लस का क्यूई और इसके ए वाले सिरे पे लगने वाला बल कितना है माइनस का क्यूई। दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों कट गए और टोटल बल कितना हो गया जीरो। तो किसी विद्युत द्विध्रुव पर किसी विद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला टोटल बल जीरो होता है। कब जब आप लोग उस विद्युत क्षेत्र उस विद्युत द्विध्रुव को उस इलेक्ट्रिक डायपोल को आप लोग किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हो तो उसके उस कंडीशन में उस पर लगने वाला कुल बल जीरो। क्यों कुल बल जीरो क्योंकि उसके ऊपर दो बल काम करते हैं दोनों बल विपरीत दिशा में है और परिमाण में क्या होते हैं समान। तो सबसे पहला पॉइंट कि जब किसी भारी विद्युत क्षेत्र में आप द्विध्रुव को रखते हो तो उस पे लगने वाला बल कितना आता है जी। अब निकालते हैं बेटा बल आघूर्ण। तो बेटा इस बल आघूर्ण को समझने से पहले आप लोग बल आघूर्ण की जो थ्योरी है वो जानो। बल आघूर्ण की जो हिस्ट्री है इसकी जो स्टोरी है कहानी है वो जाननी पड़ेगी आप लोगों को। तो बल आघूर्ण के लिए सर क्या है किसी भी वस्तु पर बल आघूर्ण लगाना है ठीक है। अच्छा बल और बल आघूर्ण दोनों कौन सी गति करवाते हैं तो याद रखना बल के कारण तो रेखीय गति स्थानांतरित गति मतलब जैसे इस मार्कर पे इधर लग रहा है 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है 10 न्यूटन का बल तो मार्कर इस दिशा में गति करेगा ठीक है। तो बल के कारण हमेशा रेखीय गति या स्थानांतरित गति एक जगह से दूसरी जगह दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसे बल के कारण तो स्थानांतरित गति होती है या उसको रेखीय गति भी कहते हैं। लेकिन बल आघूर्ण के कारण कौन सी गति करता है पदार्थ तो बल आघूर्ण के कारण बेटा पदार्थ घूमने का काम करता है ऐसे घूर्णन गति करता है। बताओ इस पेन को यदि आप ऐसे मान लो पेन नहीं ये कोई बहुत बड़ा आप लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप लोग जैसे बहुत बड़ा लकड़ी का एक वो पड़ा है पदार्थ एक छड़ है लकड़ी की छड़ है बहुत बड़ी भारी है इसको दो लड़के उठाना चाहते हैं ठीक है। एक इसके ऊपर इधर बल लगा रहा है दूसरा भी इसके ऊपर इधर ही बल लगा रहा है तो वो इसको घुमाना चाहते हैं केवल इसको घुमाना चाहते हैं यहाँ से ये लकड़ी की बहुत बड़ी छड़ है ठीक है बहुत भारी है बहुत लंबी है इसलिए दो लड़के इसके लगे और इसको घुमाने के लिए ये पहले वाला भी इधर ही बल लगा रहा है दूसरे वाला भी इधर ही बल लगा रहा है। मैं आपसे पूछूंगा क्या ये लकड़ी ऐसे घूम जाएगी आपने कहा नहीं घूमेगी ये लकड़ी केवल इधर ही खिसक जाएगी इधर स्थानांतरित हो जाएगी ठीक है। मतलब अभी बल आघूर्ण नहीं लगा क्योंकि बल आघूर्ण तो घुमाता है स्थानांतरित गति नहीं करवाता स्थानांतरित गति तो केवल बल करवाता है। इसका मतलब अभी तो इसके ऊपर टोटल बल काम कर रहा है बल आघूर्ण काम नहीं कर रहा। ओके मैंने आपको कहा चलो ऐसे मत करो अब आप लोग ऐसे लगा लो यहां बताओ अब क्या ये लकड़ी घूमेगी क्या आपने कहा इस कंडीशन में लकड़ी घूमेगी नहीं और इस कंडीशन में तो लकड़ी उधर जाएगी जिधर बल जाता है। मैंने कहा एक का 10 न्यूटन है एक का 5 न्यूटन है बल बताओ ये लकड़ी किधर जाएगी तो आपने कहा ये लकड़ी घूमेगी नहीं केवल ऊपर चली जाएगी आगे की ओर खिसक जाएगी जाएगी कि नहीं जाएगी तो अभी भी घूम नहीं रही तो मैं दो बल लगा रहा हूँ। बल आघूर्ण की पहली शर्त है कि बलों का एक जोड़ा होना चाहिए तो बलों का जोड़ा तो है मेरे पास लेकिन अब मैं इसको लगाना नहीं जान पा रहा कि इसको लगाना कैसे है। तो अब लगाने की शर्त यह है कि बलों का एक जोड़ा होना चाहिए और दोनों बल विपरीत दिशा में काम करने चाहिए विपरीत दिशा में भी लग रहे फिर भी नहीं घूम रहा। तीसरी शर्त और सुनो दो बल होने चाहिए है जी दो बल विपरीत दिशा में होना चाहिए हाँ जी विपरीत दिशा में है साथ में दोनों बल संरेखीय नहीं होने चाहिए असंरेखीय होने चाहिए। संरेखीय का मतलब क्या है जो दोनों बलों को प्रदर्शित करने के लिए आप लोग जो रेखा खींच रहे हो वो रेखा एक ही बिंदु से नहीं गुजरनी चाहिए। यहाँ देखा आपने पहला बल 10 न्यूटन का तो इसको इस रेखा से दर्शा रहा हूँ इस बिंदु से गुजर रही है 5 न्यूटन के बल को इस रेखा से दर्शा रहा हूँ इस बिंदु से गुजर रही है दोनों बल संरेखीय है एक ही बिंदु
से दोनों बलों की क्रिया रेखा गुजारी जा रही है तो संधरेखीय बल बलागुण नहीं लगाते, असंधरेखीय बलों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब अब आप लोग यदि बलागुण लगाना चाहते हो तो आपके पास दो बल है, उनको आप विपरीत दिशा में भी लगा रहे हो, लेकिन असंधरेखीय मतलब एक तो लगाओ यहाँ, एक तो बल आप यहाँ लगाओ और एक को आप लोग यहाँ लगाओ और अब देखो क्या ये घूम जाएगा। तो आपका नॉलेज कहता है कि हाँ अब ये घूम जाएगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, एक इधर से खींचेगा तो इधर जाएगी, एक इधर से खींचेगा तो इधर जाएगी और इस लकड़ी को ऐसे रोटेट होना पड़ेगा, होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा। तो अब आप लोगों ने देखा कि किसी भी वस्तु को घुमाने के लिए बलागुण की आवश्यकता है और उस बलागुण के अंदर क्या क्या अपने को चाहिए, तो अपने को दो बल चाहिए, एक तो बलों का जोड़ा चाहिए, दोनों बल विपरीत दिशा में होने चाहिए, विपरीत दिशा में एक नीचे एक ऊपर, और दोनों बल संरेखीय नहीं होने चाहिए, दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग बिंदु से गुजरनी चाहिए। तो एक बल की क्रिया रेखा यहाँ से इस बिंदु से गुजर रही है, देखो ठीक है, एक बल की क्रिया रेखा इस बिंदु से गुजर रही है, बताओ क्या रेखा ये दोनों कहीं एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, मिल रही है, नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये है बलागुण की शर्त है। तो अब आप लोग इस डायग्राम में ध्यान से देखना, आप लोगों को क्या इस डायग्राम में ये दोनों शर्त लग रही है क्या, क्या द्विध्रुव पे दो बल लग रहे हैं क्या, क्या लगने वाले बल विपरीत दिशा में है क्या, क्या दोनों बल संरेखीय है या असंरेखीय है, यदि असंरेखीय है तो शोर है, फिक्स है कि द्विध्रुव पे एक बलागुण काम करेगा जिससे द्विध्रुव उस विद्युत क्षेत्र में घूम जाएगा, घूर्णन गति करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको देखना है कि क्या यहाँ बलागुण लग रहा है क्या, बल तो अपन ने बता दिया बल तो जीरो, बल जीरो है अतः द्विध्रुव ना तो आगे पीछे गति करेगा, ना दाएं बाएं, ना ऊपर नीचे, द्विध्रुव स्थानांतरित या रेखीय गति नहीं करेगा, क्योंकि उस गति को करवाने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है वो कुल बल कितना मिला अपने को यहाँ पे जीरो। अब क्या ये घूर्णन गति करेगा क्या, तो घूर्णन गति के लिए शर्त है बलागुण होना चाहिए। तो देखो यहाँ बलागुण है क्या, तो द्विध्रुव के दो सिरे हैं, ये है अपन लोगों का द्विध्रुव, पहले सिरे पे बल लग रहा है, दूसरे सिरे पर लग रहा है, दो बल लग रहे हैं, एक बलों का जोड़ा अपने को मिल गया, दोनों बल विपरीत दिशा में भी है, दूसरी शर्त भी सही है, और साथ में दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग बिंदु से गुजर रही है। देखो इस प्लस आवेश पे लगने वाला बल तो इस बिंदु से यहाँ से गुजर रहा है यहाँ से, और इस माइनस आवेश पे लगने वाला बल यहाँ से गुजर रहा है, दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है। सिंपल सी बात है कि अब इस द्विध्रुव पे क्या लगेगा, बल बलागुण काम करेगा। अब अपने को उसी बलागुण का फॉर्मूला, उसका मान, उसका सूत्र बनाना है, ठीक है। तो बलागुण काम करेगा इस बल के कारण तो इस द्विध्रुव को इधर नीचे की ओर आना पड़ेगा, और इस बल के कारण द्विध्रुव को इधर ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बलागुण लग रहा है तो बताओ इस बलागुण का मान कितना होगा, तो आप लोगों को बलागुण का सूत्र आना चाहिए। ऐसे है ये द्विध्रुव, बलागुण के कारण ये द्विध्रुव इधर घूम जाएगा, और कौन घुमा रहा है, कौन लगा रहा है ये बलागुण, विद्युत क्षेत्र लगा रहा है, कौन लगा रहा है, विद्युत क्षेत्र, क्योंकि बलागुण के लिए बल चाहिए थे तो बल मिल गए, और ये बल किसने लगाए, विद्युत क्षेत्र ने लगाए, ठीक है। अब बलागुण का सूत्र सुनो बेटा, 11th क्लास में आता आपके टॉपिक पता है आपको, बलागुण का सूत्र होता है बल इनटू बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये बलागुण का सूत्र है, बल इनटू बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, मतलब एक बल का आपको परिमाण लेना है और फिर आपको बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी आप लोगों को लिखनी है कि कितनी होती है बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है यहाँ डायग्राम में। तो बल का परिमाण दोनों बल समान परिमाण के हैं, यहाँ भी बल क्यू ही और यहाँ भी बल कितना है क्यू ही, तो दोनों बलों का परिमाण तो बेटा यहाँ समान दे रखा है अपन लोगों को। तो और बलागुण को किससे प्रदर्शित करते हैं, टॉर्क्यू से, टॉर्क्यू बोलते हैं, और टॉ से प्रदर्शित करते हैं अपन लोग बलागुण को। तो टॉ बराबर बल, एक बल का परिमाण, तो बल का परिमाण है क्यू ई, हो गया ये एक बल, और इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो बेटा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी देखना, इस बल की क्रिया रेखा है ये है,
इस बल की क्रिया रेखा है ये, दोनों के बीच की, दोनों को आगे पीछे बढ़ाओ और दोनों के बीच में लंबवत दूरी निकालो, ये है लंबवत दूरी, ये वाला, इसको लंबवत दूरी बोलेंगे। इसको बोलेंगे अपन लोग लंबवत दूरी। बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, एक क्रिया रेखा ऐसे जा रही है, एक क्रिया रेखा ऐसे जा रही है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी हो गई। अब इस दूरी का मान बताओ कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, ये थीटा है, आप चाहो तो इस थीटा को यहां भी ले सकते हो और यहां नीचे भी उतार सकते हो इस थीटा को, ठीक है, यहां चाहो तो यहां, यहां नीचे लो तो क्योंकि सेम आएगा, तो यहां ले लिया जैसे मैंने यहां पे। और ये थीटा किसके बीच का कोण है, तो ये थीटा है द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर और विद्युत क्षेत्र रेखा E वेक्टर, इन दोनों के बीच का कोण है, ठीक है। अब बताओ ये दूरी कितनी है, तो थीटा के सामने ये लंब अपने को ज्ञात करना है और 90 के सामने का ये कर्ण अपने को पता है, द्विध्रुव की लंबाई है ये 2a, ये तो अपने को पता है, ये वाली लंबाई ये जो लंबाई है ये लंबाई AB, ठीक है, ये तो अपने को पता है 2a है और ये लंब अपने को निकालना है, तो लंब निकालना है, कर्ण अपने को पता है, तो इस त्रिभुज में आप लोग साइन थीटा का सूत्र लगा दो, ठीक है, और इसका नाम दे दो कुछ भी, यहाँ पे ए बी और सी दे दिया इस पॉइंट का नाम दे दिया, तो अपने को बी सी भुजा मान ज्ञात करना है, बी सी भुजा का, तो लंब हो गया बी सी, कर्ण हो गया ए बी, तो बी सी को इधर, वो ए बी को इधर ले गए, तो ए बी इंटू साइन थीटा, ये लंब बी सी आ गया, लंब दूरी आ गई, ये बल इधर, दोनों के बीच की लंबवत दूरी BC आ गई। अब इसका मान बताओ कितना होगा, AB, AB है कर्ण और इस कर्ण की लंबाई है 2a, तो 2a और sin थीटा, तो इस BC का मान वहां रख देंगे 2a sin थीटा, अपन लोग कितना रखेंगे 2a sin थीटा, तो 2a sin थीटा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देकर देखो बेटा, E को तो रहने दो, ओके, और अब आप लोग क्या करो, इसको Q को और 2a को एक साथ रख दो और sin थीटा, आप लोगों ने देखा ये क्या बन रहा है, P, P का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बन रहा है, तो tau बराबर E और P और sin थीटा, तो tau बराबर E P E sin थीटा, P E sin थीटा, तो ये आ गया किसी विद्युत द्विध्रुव पर एक समान भारी विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल आघूर्ण। जब एक समान भारी विद्युत क्षेत्र में अपन लोग किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उसके ऊपर लगने वाले बल आघूर्ण का मान तो बराबर पी साइन थीटा। थीटा किसके बीच का कोण है, पी और ई के बीच का कोण है थीटा। इसको सदिश रूप में व्यक्त कर सकते हैं अपन लोग, कर सकते हैं कैसे, इधर देखना बेटा, आप सब जानते हो अच्छी तरह से, यदि दो सदिशों का क्रॉस गुणा हो तो उसको खोलते हो तो क्या आता है, साइन आता है, और एक आम सदिश, और यदि डॉट गुणा हो तो दोनों का परिमाण और कोस आता है, यहां क्या है, साइन, साइन है यहां पे, तो इसका मतलब इन दोनों का क्रॉस गुणा होगा, और क्रॉस गुणा करने पर मिलने वाली तीस, दो सदिशों का क्रॉस गुणा करने पर जो तीसरी सदिश मिलती है वो भी सदिश ही होता है, तीसरा सदिश जो फिजिकल क्वांटिटीज अपने को मिलते हैं वो भी सदिश है। तो इधर देखना, यहाँ P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर किया अपन लोगों ने, दोनों सदिश है, क्रॉस साइन को हटा दिया अपन ने, और तीसरा जो मिलेगा वो भी सदिश है, इसका मतलब बल आघूर्ण भी एक सदिश है, बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा किधर होती है तीसरे सदिश की, तो इन दोनों के तल के लंबवत, P वेक्टर और E वेक्टर का जो तल है उनके लंबवत, तो देखना P वेक्टर, तो ये रहा P वेक्टर और ये रहा E वेक्टर, इन दोनों का तल कौन सा है, तो ये जो बोर्ड है, राइट बोर्ड आपका, यही तल है, इसी में ये दोनों, तो इन दोनों के लंबवत, तो इन दोनों के लंबवत ऐसे बल आघूर्ण की दिशा होगी, ऐसे इन दोनों के लंबवत, ये तो P वेक्टर है, ये E वेक्टर, ये इस तल में है, इस बोर्ड वाले तल में, तो इसके लंबवत होगी बल आघूर्ण की दिशा, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी विद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात किया जाता है। सूत्र सिंपल है, बल इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। बल आघूर्ण लगने की शर्त है दो बल होने चाहिए, दोनों विपरीत दिशा में होने चाहिए, दोनों असंरेखीय होने चाहिए, मतलब उनकी क्रिया रेखा एक ही बिंदु से नहीं गुजरनी चाहिए, ठीक है। साथ में आप लोगों को क्या करना है, ये सदिश रूप
रूप में प्रदर्शित करना और बलाद उनकी डायरेक्शन किधर है, दोनों के तल के लंबवत, दोनों कोण पी वेक्टर और ई वेक्टर, ठीक है। और बलाकुण एक सदिश राशि है, थीटा इनके बीच का कोण है। अब बेटा जहां भी जिस भी फॉर्मूले में थीटा आ जाए ना, थीटा फिजिक्स में अपन लोग जो भी फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें भी थीटा आ गया वहां तुरंत कंडीशन डाल दी जाती है। कंडीशन फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 हो, थीटा बराबर 180 हो, तो वही कंडीशन यहां मैं डाल रहा हूं, देखना, ठीक है। तो ये तो बता दूंगा फॉर्मूला आप लोगों ने बना दिया। अब इसमें कंडीशन डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला है यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, इसका मतलब क्या है, थीटा किसके बीच का कोण है, तो थीटा है पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण। जो थीटा है वो ये रहा, ये है अपना थीटा, जो पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण है, ये तो है पी वेक्टर द्विध्रुवीय आवेश, ये है ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, इन दोनों के बीच का कोण है थीटा। ये ई वेक्टर है और ये आपका पी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का कोण है थीटा, ठीक है। इसको जीरो करो, जीरो करने का मतलब है आप लोग इस द्विध्रुव आघूर्ण और इस ई वेक्टर को एक ही दिशा में कर दो, एक ही दिशा, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा। इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण या कि तो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समान दरक हो गया आप लोग। तो जब पी वेक्टर एवं ई वेक्टर समांतर हो दोनों, तो समांतर होंगे तो थीटा बराबर जीरो, और थीटा बराबर जीरो तो साइन जीरो बराबर कितना, जीरो, जीरो। इस कंडीशन में बलाघूर्ण कितना लगेगा, तो बलाघूर्ण का सूत्र होता है PE साइन थीटा, और साइन थीटा ही जीरो हो गया तो इस कंडीशन में तो बराबर बलाघूर्ण भी कितना होगा, जीरो। मतलब यदि आप लोगों ने किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया, विद्युत क्षेत्र के समांतर ऐसे इधर माइनस इधर प्लस, इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी इधर ही है और विद्युत क्षेत्र भी इधर ही, समांतर रख दिया, तो इस कंडीशन में उसके ऊपर लगने वाला बल आघूर्ण जीरो। बल तो जीरो होता ही है, बल आघूर्ण भी जीरो। इसका मतलब ना तो वो रेखीय गति करेगा, ना स्थानांतरित गति करेगा, ना घूर्णन गति करेगा। इसको कहते हैं स्थायी साम्यावस्था। इसको क्या कहते हैं, स्थायी साम्यावस्था। परमानेंट ऐसे ही बैठा रहेगा, ये किधर भी नहीं जाएगा, ठीक है। अगली कंडीशन है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा आप लोग 90 डिग्री ले लो, मतलब पी वेक्टर और ई वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर बलाघूर्ण का मान कितना होगा, तो एक माइनस एक प्लस, और ये हो गया पी वेक्टर, ठीक है। तो इस कंडीशन में बलाघूर्ण, तो सूत्र है पी ई साइन, और थीटा का मान 90, साइन 90 होता है मैक्सिमम ए, तो इसका मतलब इस कंडीशन में बलाघूर्ण का मान भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि साइन 90 भी अधिकतम मिल रहा अपने को मैक्सिमम, तो बलाघूर्ण भी यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम। तो यदि किसी विद्युत द्विध्रुव, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को आप विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हो, तो उस कंडीशन में लगने वाले बलाघूर्ण का मान अधिकतम होता है, क्या होता है, अधिकतम, ठीक है। तीसरी कंडीशन है आप लोगों की ये, यदि आप लोग इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर रख दो, प्रति समांतर का मतलब ऐसे इधर आपकी बात माइनस ले लो इधर प्लस, तो इससे क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इधर होगा पी वेक्टर, और जबकि ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र इधर होगा। तो यदि विद्युत क्षेत्र ऐसे हो, द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे हो, दोनों प्रति समांतर है, तो इस कंडीशन में थीटा बराबर कितना 180 और साइन थीटा बराबर 0, तो इस कंडीशन में बलाघूर्ण भी कितना 0, तो बलाघूर्ण 0, इसका मतलब ये घूर्णन गति नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये साम्यावस्था तो है लेकिन ये अस्थायी है, क्योंकि कभी भी ये माइनस और ये प्लस इस अवस्था में नहीं बैठ सकते, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, तो कभी भी ये माइनस इधर माइनस की ओर नहीं टहरेगा और ये प्लस इधर प्लस की ओर नहीं टहर पाएगा, तो इसको कहते हैं स्थाई, वो अस्थाई साम्यावस्था। तो 180 में तो अस्थाई साम्यावस्था कहलाती है, 0 डिग्री में स्थाई साम्यावस्था कहलाती है, और 90 डिग्री में कहलाती है साम्यावस्था नहीं होती, उसके अंदर कोई साम्यावस्था नहीं होती, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को किसी विद्युत द्विध्रुव पे लगने वाले कुल बल और बलाघूर्ण की चर्चा करनी है, और उस बलाघूर्ण के फॉर्मूले में आप लोगों को थीटा के तीन मान बताने हैं,
जीरो डिग्री पे जीरो, 180 पे भी जीरो, पलागू और 90 पे मैक्सिमम। ओके बेटा, तो अब इससे रिलेटेड अपन लोग बेटा एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने कहा जैसे कोई टॉपिक दे दिया आप लोगों को एक छोटा सा न्यूमेरिकल, मैंने कहा कोई भी दूर जिसका आवेश 5 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस दे दी मैंने आप लोगों को 16 सेंटीमीटर दे दी, द्विध्रुव की लंबाई दे दी 16 सेंटीमीटर। मैंने इसको एक विद्युत क्षेत्र में रखा, उस विद्युत क्षेत्र का मान है 3×10⁶ न्यूटन प्रति कूलम, और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन लोगों ने इसको रखा 30 डिग्री के कोण पे, थीटा बराबर 30 डिग्री। बताओ उस विद्युत द्विध्रुव पे लगने वाले बलागुण का मान कितना होगा? कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर, प्रत्येक आवेश 5 माइक्रोकूलम का, उसको एक समान विद्युत क्षेत्र पे रखा जिसका मान 3×10⁶ और इतने डिग्री एंगल पे रखा, बताओ बलागुण कितना होगा? तो बलागुण बराबर होगा PE sin थीटा, तो टो बराबर P को क्या लिखते हो Q×2A और गुणा E और sin थीटा। अब सारे मान यहां रख देने हैं, क्यों है आवेश का मान कितना दे रखा है 5 और माइक्रो का मान 10⁻⁶ और गुणा 2A है द्विध्रुव की लंबाई, लंबाई है 16 सेंटीमीटर, मीटर में बदलो इसको, तो 16 और गुणा 10⁻², ये मीटर में बदल दिया, और गुणा E है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मान है 3×10⁶ और गुणा साइन थीटा, थीटा है 30 डिग्री और साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो अब इसको आप लोग सोल्व कर लो, कितना हो गया 1/2 रख दिया। अब माइक्रो से माइनस प्लस का 6 कट गए तो, और एक 2 का भाग यहां 16 में गया कितनी बार, 8 बार, ठीक है। और अब जो बच गया उनको कैलकुलेट कर लो आप लोग, तो 8 की ये हो गया 24 और 24 को 5 से गुणा कर लो 10⁻², ये आप लोगों का बलागुण हो जाएगा, ये हो गया 120 और 10⁻², और टो बराबर 10 आप लोग यहाँ से काट लो, एक बचेगी उसका पॉइंट लगा देंगे 1.2, और बलागुण का जो मात्रक है बीमा है वो आप बढ़ा दो यहाँ पे। बलागुण का मात्रक क्या होगा? तो बलागुण का सूत्र है पी और ई, पी है द्विध्रुव आघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आप लोगों को बता रखा है मैंने कूलम इनटू मीटर, और इनटू विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक आप लोगों को दे रखा है क्या न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। अब इसको आप लोग सोल्व कर लो, कितना हो गया कूलम से कूलम कट गया, तो क्या है इसका बलागुण का मात्रक क्या आया न्यूटन इनटू मीटर, ये बलागुण का मात्रक, तो यहां लास्ट में लिखेंगे न्यूटन इनटू मीटर, तो ये 1.2 न्यूटन पर इनटू मीटर। बीमा बनाई दोगे आप लोग इसकी कितनी होगी, तो न्यूटन की होती है m1 l1 t - 2 और मीटर की होगी l1, तो m1 l2 t - 2, इस प्रकार से इसके इस बलागुण की बीमा होगी, ठीक है। तो ये छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल था बलागुण का, तो आज अपना ये टॉपिक बलागुण वाला इसका जो न्यूमेरिकल सही ही कंप्लीट है बेटा। अब इससे रिलेटेड एक टॉपिक और रह गया कि किसी द्विध्रुव को, किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाने में आप लोगों को कितना काम करना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी उस द्विध्रुव के ऊपर बलागुण लगता है लगाता है और अपने को भी उतना ही बलागुण लगा करके उस द्विध्रुव को घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, ये अपना अगला टॉपिक होगा। आज का ये टॉपिक इतना ही बेटा, ओके थैंक्स।